Benvenuto Giallo Brascaro, tutti io tan mascaro. Suba chama mi papa chiede a Pascaro Henry. E le dojo vi chiede è, me carugio mancia è. Har vaat sab chiede mujhe a Pascaro Henry. Lo caro, o caro, mi man caro, o caro. Suba chama mi papa chiede a Pascaro Henry. थैंक्स कीड़े। क्या इसने मुझे अभी कीड़ा कहा? क्या तुमने मुझे अभी कीड़ा कहा? हेनरी, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किसने मुझे कीड़ा कहा? कीड़े ने मुझे कीड़ा कहा। सच में घोंचू ने पलटी मारी है ना? घोंचू ने पलटी मारी, बहुत फनी है। नहीं नहीं है, ये बिल्कुल फनी नहीं है। मुझे पता है तुम अंदर हो। जाओ। घोंचू ने फिर से पलटी मारी हेनरी। फनी नहीं है। घर का काम कैसा चल रहा है? कर रहा हूँ, पर अभी नहीं। ओह अच्छा, और चीजें अपनी आप तो साफ नहीं हो जाएंगी है ना? मैं कर दूंगा। और कचरा? और कचरा भी। कहाँ लिखा है कि ये सब बोरिंग काम मुझे करना पड़ेगा? कीड़ा वहाँ थ्रोन पर बैठ के अपने नंबर 9 कॉमिक पढ़ेगा। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं चमेले से बाहर कैसे निकलूंगा, क्योंकि अगर मैं स्टोर से हट गया तो कीड़ा बाहर आ जाएगा। काम कैसा चल रहा है हेनरी? धीरे धीरे। आज कुछ और करने का सोचा है? आपका क्या मतलब? वैसे जो काम नहीं कर रहे हो उसके अलावा बाथरूम के बाहर पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहोगे? हाँ, वेरी फनी। वैसे वो सही है, आज शाम को रैल्फ आने वाला था और मैं उसके और फैंग के साथ नॉट बैक डेयर डोंट केयर खेलने वाला था। हाँ भैया। लेकिन मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा अगर मुझे कीड़े पे नजर रखनी पड़ेगी। यही रुके, मैं अभी आता हूँ। हो गया, अब वो बाहर नहीं आ पाएगा बिना मेरी जानकारी के। नक्शा लोगों के बीच रिश्तों को दिखाता है जो एक परिवार में कई पीढ़ियों से रहते हैं। ये रहे डैड और झमेले अंकल फ्रांसिस और ग्रेट एंड ग्रेटा और क्वीन। मुझे नहीं पता था ग्रेट एंड ग्रेटा एक प्रिंसेस है, फिर एक किंग, किंग हेनरी दी एथ, हेनरी, हेनरी दी एथ। क्या होगा अगर मैं किंग हेनरी हूँ? क्या होगा अगर मैं नॉर्मल हेनरी की जगह किंग हेनरी होता? हाँ, किसे परवाह है? अगर मैं किंग हेनरी हूँ तो मुझे और सॉक्स अलग करने नहीं पड़ेंगे। ए कीड़े, मेरी बात सुन रहा है ना? पता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं। वैसे पता है क्या, रिश्ता नहीं है। मैं रॉयल हूँ और तुम नहीं, और मेरे पास डॉक्यूमेंट है प्रूफ करने के लिए। बहुत अच्छा नंबर तुम पढ़ रहा होगा। हाँ भाई हाँ। फैंग, तुम कभी सोच नहीं सकते, इसे देखो। रैल्फ को ये सुनाने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे क्राउन चाहिए,
यकीन है कीड़े के पास एक दो क्राउन होगा ही। बस तेरा क्राउन ले रहा हूँ कीड़े। उसका रॉयल क्लोक भी मिल गया। रैल्फ आ गया, मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट। रिस्पेक्ट देने आया होगा किंग हेनरी डी नाइंथ को। अब मैं तुम्हारा मतलब समझा। ये प्रूफ जैसा लग रहा है। तुम्हारा मतलब क्या है? लग रहा है ये प्रूफ ही है। देखो देखो बॉयज, क्या तुम लंच में कुछ खाओगे? हम खाएंगे रॉयल सैंडविचेस रॉयल किचन से। ठीक है, लेकिन तभी जब तुम नीचे आकर इन्हें ले लो। तुम यही रुक कर कीड़े पे नजर रखो और मैं नीचे जाकर सैंडविचेस लाता हूँ। कूल, चलेगा। Hey, Bang, अगर हेनरी किंग है तो मेरे हिसाब से तुम रॉयल चूहे हो, है ना? हाँ 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 भाई हाँ। थैंक्स मॉम, मैं पीटर को भी थोड़ा दे दूंगा। ओ अच्छा, क्यों? क्योंकि वो भूखा है। ओके। के राज्य में आपका स्वागत है महाराज। शुक्रिया वफादार सब्जेक्ट, मैं किंग के लिए खाना लाया हूँ। और उनकी प्रजा के लिए। हाँ भाई हाँ। ले लो। हाँ भाई हाँ। सब लोग महान किंग हेनरी नौवे के सम्मान में खड़े हो जाएं। सबसे महान राज करने वाले जिनकी हर बात माननी ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, घुटनों पर झुको कीड़ा, खासकर तुम कीड़ों के राजा। अब देखो क्या क्या होता है जब मैं हूँ किंग। जब मैं हूँ किंग तो कर सकता हूँ एनीथिंग। पीटर के लिए मैं बंद है। लाइफ में कुछ भी पर वो नीरस नहीं। सब लोग अपने घुटनों पर झुकेंगे जब मैं आकर टाउन में परेड करूँगा। सिर्फ मुझे हंसने की अनुमति है और मेरे बात के नल में पानी कभी खत्म नहीं होगा। सिर्फ एक ही गोल्डन रूल होगा। कोई स्कूल नहीं। ये मैं हूँ किंग, हाँ मैं हूँ किंग। लोग चिल्लाएंगे, बेल बजेंगे। हाँ तुम हो किंग, अब तुम हो किंग। तुम कर सकते हो कुछ भी। अब मैं हूँ किंग, हाँ अब तुम हो किंग। मैं हूँ अब तक का सबसे महान किंग। मैं हूँ किंग। हेनरी, रात के जाने का वक्त हो गया है। बाद में मिलता हूँ महाराज। ठीक है वफादार सब्जेक्ट। कचरा फेंकना मत भूलना हेनरी। चलो वैसे वो भी कर लेते हैं क्योंकि ये मुझे आखिरी बार करना होगा। मैं कीड़े का कचरा नहीं निकालूंगा। आपको यकीन हो रहा है ये फैमिली कितना कचरा करती है? हाँ, मेरे डैड कहते हैं कि कचरे पर टैक्स लगाना चाहिए। ये आइडिया बुरा नहीं है। अब जब तुम किंग बन गए हो तो तुम्हें इस विषय में कुछ करना चाहिए। हाँ, कर सकता हूँ। बताना चाहूँगी, अगर तुम किंग हो तो तुम्हें इन डिब्बों के बारे में कुछ करना नहीं चाहिए। तो तुम क्यों कर रहे हो? ओ, पता है ना, बहुत मुश्किल है कंट्री को चलाना। जैसे मुझे नहीं पता था। तुम्हें कैसे पता मैं किंग हूँ? तुमने क्राउन जो पहना हुआ है। ओ, हाँ। और पीटर ने मुझे बताया। पीटर ने बताया? लगता है तुम्हारे किंगडम में बहुत कुछ चल रहा है जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता है। हाँ, वो सचमुच खुद को किंग हेनरी नोवा मान रहा है। हाँ हाँ, तुम्हें पता है मैं सिंहासन पर बैठकर सिर्फ अपनी नंबर नोम्स कॉमिक पढ़ रहा था। आप करते हो? हाँ, नंबर नोम 7 के साथ। हेलो हेनरी, या मैं तुम्हें महाराज कहूं? आगे नंबर नोम 3 लिखा हुआ नहीं है, वो 2 हफ्तों पहले का था। या 3? वैसे भी मैं अपने सिंहासन पर बैठा। हम किंग हेनरी दी 8 से सच में रिलेटेड नहीं है, है ना? किस वजह से तुमने ऐसा सोच लिया? इसके कारण। ओह, ये पुरानी चीज, ये तुम्हें कहाँ से मिली? बेसमेंट में। झमेला अंकल फ्रांसिस ने मुझे यकीन दिलाने के लिए ये बनाया था कि हम शाही वंश के हैं। सच में? ओ हाँ, फिर भी मैंने नहीं माना और उन्हें लगा कि मैं ये मान गया और वो हमेशा ऐसा ही सोचते रहे। सच में? और बाद में आप यकीन नहीं करोगे जो हेनरी ने कहा। उसने कहा मैं शाही हूँ और तुम नहीं।
खुश हो जाओ हेनरी, शायद ऐसा कभी ना हो। ऐसा अभी हुआ, मुझे लगा मैं स्पेशल हूँ, लेकिन मैं तो नॉर्मल हूँ। ओ हेनरी, तुम स्पेशल हो, बस उस तरह के स्पेशल नहीं। और वैसे भी किसे किंग बनना है, वो तो बहुत कठिन काम है। शायद से, लेकिन उन्हें हर वीकेंड काम नहीं करने पड़ते। नहीं, उन्हें नहीं करना पड़ता, लेकिन हे, ये तुम्हारी असल लाइफ है। हाँ, शायद। उन्हें गोल्डन गार्डन सेंटर पिज्जा खाने नहीं मिलता पूरे दिन के कठिन काम के बाद भी। नहीं डैड, मुझे जिंदगी के सिंपल चीजें ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ, मुझे पता है, ये सच में फनी है जब तुम इस बारे में सोचते हो। हेनरी मुझे बोल रहा था कि वो किंग हेनरी नोवा है, वो भी गंभीरता से। और बाद में उसने मुझसे कहा, चुप रे कीड़े, थप्पड़ पड़ेगा हेनरी।